हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हेलो फॉर्म टेस्ट और आइडो फॉर्म टेस्ट के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा इससे आप इस टेस्ट के रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट को इजीली पहचान सकते हो, एंड इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होगा या इस टेस्ट का रिएक्टेंट क्या होगा, तो वेरी सिंपल है। आपको कार्बोनिल कार्बन को सर्च करना है, सी डबल बॉन्डो, और उसके एक साइड सी एच थ्री फिक्स है, राइट, ये होना चाहिए। दूसरे साइड में आइदर हाइड्रोजन हो या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो चल जाएगा। बात समझ में आ गई। सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड सिर्फ सी एच थ्री होना चाहिए, सिर्फ एक ही कार्बन होना चाहिए, एक ही मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। दूसरे साइड में आइदर हाइड्रोजन हो तो भी चलेगा, या फिर कोई अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, इसलिए इसको एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। एसिटाइल ग्रुप का प्रेजेंस मस्ट है या फिर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आपका रिएक्टेंट है। ध्यान दें, कभी कभी ये ना दे करके ऐसे भी दे सकता है, क्योंकि ये फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, तो ध्यान से देखो, आपको कैसे देखना है, आपको देखना है कि किसी भी साइड से दो कॉर्नर होंगे, आइदर दिस कॉर्नर से या डैट कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से अगर सेकेंड नंबर कार्बन पे, ध्यान दे, सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है या फिर हैलोजन है या कोई बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और ये भी ये टेस्ट शो करेंगे। जैसे इस केस में इधर एक मिथाइल हो गया, सेकेंड नंबर कार्बन पे OH है, तो ये टेस्ट ये शो करेंगे। तो ध्यान दे कि ये फिर से क्या हो गया, दोनों साइड से अगर आ जाए तो भी चलेगा, या किसी एक साइड से होना चाहिए। अगेन इधर अगर एक ही साइड से कार्बन इधर है CH3, तो इधर कोई भी हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप हो चलेगा, या इधर भी CH3 CH आ जाए तो भी चलेगा। डैट मीन्स आइदर साइड से सेकेंड कार्बन पे ये तीनों चीज़ों में से कोई अगर प्रेजेंट है तो फिर ये शो करेंगे। सिमिलरली कभी कभी ऐसे भी दिया जा सकता है, C डबल बॉन्ड हो गया CH2, ये जो इसका तीन हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन लगा दे तो वो भी शो करेंगे, या दो हैलोजन लगा दे या तीन हैलोजन, राइट, ये सब उसी के पार्ट हैं तो ये सब शो करेंगे। सिमिलरली किसी भी साइड से, राइट, आइदर कॉर्नर से, जैसे इस साइड से अगर गए सेकेंड नंबर कॉर्नर पे दो हैलोजन लगे हुए हैं तो ये भी शो करेंगे, क्योंकि ये सब क्या हो सकते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे वाया ऑक्सीडेशन, तो इसलिए ये सब शो करेंगे। सिमिलरली आपको कैसे दिया जा सकता है रिएक्टेंट, इस टाइप में भी ध्यान से देखो, तो ये जो बीच में कार्बन है इसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो इसको H मिलेगा और इसको OH अगर मिलेगा, तो ध्यान से देखो आपका ये वाला पार्ट जनरेट हो चुका है, इसलिए ये टेस्ट शो करेंगे, ये R C डबल बॉन्ड हो CH3, बिल्कुल ऐसा ही हो गया। डैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि आप देख लो कि रिएक्शन के दौरान क्या ये प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो टेस्ट शो करेंगे, तो इसलिए ये भी शो, इस टाइप के भी जितने कंपाउंड होंगे वो शो करेंगे। सिमिलरली उसी को ऐसे भी दे सकता है, राइट, यहाँ पे कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाया तो एक्चुअली में हेच होंगे, यहाँ पे भी हेच होगा, राइट, तो ये इस टाइप के भी, क्यों, क्योंकि ये हेच OH में कन्वर्ट होकर करके फिर से ये यही बना देंगे, और फिर ये बनेगा और फिर ये बन जाएंगे, राइट, तो ये भी शो कर सकते हैं, तो इस टाइप के अल्कोहल भी आपका शो करेगा टेस्ट। सिमिलरली अगर ध्यान से देखो एस्टर के केस में, अगर ऑक्सीजन के इधर ईटी मतलब इथाइल ग्रुप, सिर्फ इथाइल लगा हुआ है तो ही शो करेगा, इसके अलावा मिथाइल हो या प्रोपाइल एंड सो ऑन कोई भी हो तो वो शो नहीं करेंगे। दूसरा इस टाइप में भी ये भी एस्टर ही है, बट ध्यान से देखें तो ये इधर एक ही कार्बन होना चाहिए, इधर चाहे जितना कार्बन लगाना आप लगा सकते हो, राइट, ये वैसा ही हो गया। ध्यान से देखो ये कैसे आ जाएगा, इधर से सेकंड कार्बन पे OH बन जाएंगे जो ये वाला हो गया फिलहाल, तो इस टाइप के सारे शो करेंगे ये सारे एस्टर। तो ये आपको मैंने एक रिएक्टेंट का पूरा लिस्ट दे दिया कि कौन शो कर सकता है, एक अच्छे तरीके से आपको समझाया। रिएजेंट इसका क्या है, तो डैट्स वेरी सिंपल, आपको बेसिक मीडियम लेना है NOH इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, NOH X2 करके दे सकता है, वेयर X क्या हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, डैट मीन्स फ्लोरीन नहीं हो सकता, ये बात क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली इसी को ऐसे भी दे सकता है NaOX, NaOX का मतलब सोडियम ऑक्सीजन और कोई हैलोजन, आइदर Cl या Br या I, जैसे NOI, NOBr, NOCl, ये आपको दे सकता है। क्यों दे सकता है ऐसा, क्योंकि जब ये बेस की रिएक्शन आपको नॉन मेटल से होगा तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, डैट मीन्स ये मेटल ध्यान से देखो माइनस वन में भी गया और प्लस वन में भी, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, राइट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ही
ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और विनो कभी भी एक कार्बन पे दो OH हो तो ये अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। तो वाटर को बाहर आपको कर देना है, राइट। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएंगे तो ये सी डबल बॉन्डों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये वाले पार्ट या ये वाले पार्ट में हमने ये सब समझाने की कोशिश की आपको कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से अगर उस कारण पे OH है या हेलोजन है या लिविंग ग्रुप है तो उसको ऑक्सीडाइज करके फर्दर ये यहाँ पर लेके आ जाएगा। इसलिए किसी एक कॉर्नर से CH3 का होना ज़रूरी है तो ये शो करेंगे। तो आई होप रिएजेंट भी आपको क्लियर होगा। डैट मीन्स बेसिक मीडियम क्रिएट करना आपको इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन होना चाहिए। और कैसे दे सकता है तो बहुत सारे तरीके, जैसे Na2CO3 और X2 भी दे देगा तो बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। ध्यान से देखो तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, सोल्यूशन बेसिक हो गया इन प्रेजेंस ऑफ X2। या फिर इसको और कैसे दे सकता है, OH-X2, सब एक ही बात है। तो ये रिएजेंट को देने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ये नॉट ओनली रिएजेंट है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसीलिए ये सारे के सारे आपको ये टेस्ट शो करेंगे। नाउ प्रोडक्ट क्या होगा, तो वेरी सिंपल है। जो ये जो कॉर्नर वाला CH3 है इसका तीनों हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन लगा देना आपको। ध्यान से देखो, हैलोजन लगा देना आपको और एक H, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा तो एक H आपको रहने देना है। तो ये एक प्रोडक्ट होगा आपका, जहाँ पे X क्या हो सकता है ClBr-I, अगर वो I हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे आइडोफॉर्म। CH3 को क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। और इसका कलर येल्लो होता है, इसलिए ये टेस्ट की पहचान है और मैक्सिमम हम आइडोफॉर्म टेस्ट ही करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आइडोफॉर्म लिखा है। वैसे ही अगर ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, क्लोरीन हुआ तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई कि ये जो सी डबल बॉन्डों के बगल में जो कार्बन है मिथाइल वाला, इसके तीन हाइड्रोजन को हटा करके तीन हैलोजन, और इधर वाला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ एक हाइड्रोजन, तो ये एक प्रोडक्ट आपका फिक्स है। दूसरा प्रोडक्ट ये जो इधर का पार्ट बचा वो सी डबल बॉन्डो O-, चूँकि बेसिक मीडियम है इसलिए इसको प्रोटोनेट करके रखना है, O- के फॉर्म में रखना आपको। तो ये दूसरा आपका प्रोडक्ट फिक्स है। तो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ ट्रिक्स जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं, तो कभी भी आपको रिएक्शन इस टाइप से गिवेन हो, RC डबल बॉन्डो CH3, राइट। तो ये कार्बोनिल कार्बन हो गया, इस पर ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ NOH है, तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे। तो आपको क्या करना है, RC डबल बॉन्डो और ये जो कार्बन का तीन हाइड्रोजन है उसको मैंने ओपन कर दिया, ये तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ध्यान से देखो, हैलोजन से ये तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या ले आना है, हैलोजन। और ये कार्बोनिल वाला जो कार्बन है और ये जो कार्बन है मिथाइल वाला, इनके बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस कार्बन को H देना है क्योंकि तीन हैलोजन लगने से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और इसको OH देना है। देख तो ध्यान से देखो क्या प्रोडक्ट आ गया, तीन हैलोजन के साथ एक H, तो CHX3 आ गया, और दूसरा RC डबल बॉन्डो OH, राइट। ये तब मिलेगा जब एसिडिफाई करोगे, चूँकि बेसिक मीडियम है तो ये H आपका नहीं रहेगा, तो RC डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पे जो भी कैटायन होंगे वो कैटायन लगा देना है, तो ये प्रोडक्ट हो गए, राइट। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, कभी कभी बैलेंस रिएक्शन का भी ध्यान रखना है, इस पर बेस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक मॉलिक्यूल लेना है ये RC डबल बॉन्डो CH3 का, तीन मोल्स आपको लेने पड़ेंगे हैलोजन के, 4 मोल्स बेसिक मीडियम के, 4 NOH, तब जाकर के आपको एक मॉलिक्यूल RCO- का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल हैलोफॉर्म का CHX3, तीन मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड वाले मिलेंगे, और तीन मॉलिक्यूल वाटर। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी बैलेंस रिएक्शन का भी यूज कर सकता है। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट ये है कि जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोग्रेस होती हैं वैसे वैसे फास्ट हो जाती हैं ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ हैलोजन। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो क्या होगा, फर्स्ट केस में एक हाइड्रोजन हट करके एक हैलोजन लगेंगे, तो उसकी वजह से ये जो दो हाइड्रोजन है वो काफ़ी एसिडिक हो जाएंगे, तो पहले रिएक्शन स्लो होगी क्योंकि पहले तीनों हाइड्रोजन है तो ये उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। ये सिर्फ एसिडिक किस वजह से हुआ है, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन जाएंगे तो इस कारण पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस होगा। तो पहला जो रिएक्शन का पहला स्टेप जो है वो स्लो है, उसका दूसरा स्टेप थोड़ा फास्ट होगा उससे। क्यों? क्योंकि एक हैलोजन आया, फिर एक और हैलोजन आएंगे तो और फास्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पर समझाया कि पहले केस में एक हैलोजन आएगा, दूसरे केस में दो हैलोजन आने की वजह से ये हाइड्रोजन और भी ज़्यादा एसिडिक, और तीसरे केस में तो तीनों ही हैलोजन आ जाएंगे। तो ये रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होती हैं फास्ट होती जाती हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रिएक्शन को कभी भी आपको बीच में स्टॉप नहीं करना है, रिएक्शन नॉट स्टॉप इन बिटवीन। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने इसकी रिएक्शन कराया 3 मोल्स ऑफ X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम,
तो आपको ये मिलेंगे और ये बाकी सारे मिलेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने इसका वन मोल लिया और इसका भी वन मोल लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको वन मोल इसका मिल जाएगा, ये वाले का ऐसा नहीं है कि इसके वन मोल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, फास्ट रिएक्शन होती है, राइट। तो स्टॉप बीच में नहीं करना है। तो वही अगर मान लेता हूँ मैं इसका एक्स मोल रिएक्ट हुआ, तो इसके 3x मोल रिएक्ट होंगे, राइट। और चूंकि यही लिमिटिंग रेजेंट होगा, आपको तरीका बता रहा हूँ मोल कंसेप्ट में, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यही लिस्ट नंबर है, लिमिटिंग रेजेंट है, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो 1 माइनस 3x 0, तो x कितना जाएगा 1/3। तो डैट मीन्स ये कितना लेफ्ट, ये कितना बचा, तो 2/3 मोल्स इसके बचेंगे, ये 0 हो जाएंगे। ये पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट का 1/3 मोल्स मिलेगा और इसका भी 1/3। तो ध्यान रहे, ना तो आपको ये मिलने वाला है, ना ही ये मिलने वाले हैं, ना ही ये। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाती है, स्टार्टिंग में 16 उसके बाद फास्ट हो जाती है, ये ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ दैट हैलोजन। नाउ अप्लीकेशन, तो कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो ये टेस्ट शो नहीं करेंगे, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे बच्चे को लगता है कि सर ने बोला था सी डॉल बॉन्ड और सी एच थ्री है, बट बेटा इधर OH है, प्लस M ग्रुप है, तो ये शो नहीं करेगा, डैट मीन्स एसिड ये टेस्ट शो नहीं करते, राइट। सिमिलरली ध्यान से देखो, तो ये अगर इधर हैलोजन ये तो है प्रेजेंट, बट इधर मैंने क्या बोला था इस साइड में, आइदर एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो नहीं है, इसलिए ये शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब, ये जो से बेसिक मीडियम क्रिएट करने के वजह से ये H निकल जाएंगे, ये माइनस की वजह से ये बहुत ज़्यादा रेजोनेंस करेंगे, तो उधर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसका हाइड्रोजन को वो एसिडिक नहीं होने देगा। सिमिलरली इस केस में भी ये एनहाइड्राइड हो गया, तो आप किस साइड से भी ब्रेक कर लो, अगर इधर से ब्रेक करोगे तो इसको OH मिलेगा और इसको H, तो दोनों एसिड ग्रुप बनेगा, इसीलिए ये नहीं शो करेंगे। सिमिलरली इस केस में भी ध्यान से देखो, अगर आपने इसको ब्रेक किया तो इसको OH और इसको H, तो ये मिथेनॉल बना, इसलिए ये शो नहीं करेगा, उधर तो एसिड है, तो एसिड वैसे ही शो नहीं करता है, तो नहीं करेगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगेन रेजोनेंस करेंगे, तो ये सब भी शो नहीं करेंगे। तो ये वो सब फंक्शनल ग्रुप है जो शो नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेक करने के बाद भी वो कंडीशन नहीं बन पा रही है। ये वो केस है जहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि आपको बता रखा हूँ सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री, ये तो फिक्स है इतना, राइट, ये तो इतना फिक्स है। इधर क्या होना चाहिए? आर या एच, जो कि इस सब में नहीं था, इसलिए शो नहीं किया, तो ये तो शो करेंगे। सिमिलरली अगर इथाइल अल्कोहल हो तो शो करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से NaOH और X2, ये हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट कर देगा, वाटर बाहर कर देंगे, तो ध्यान से देखो ये वो कंडीशन बन गई, ये फिक्स ये वाले इधर हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो इसलिए ये शो करेंगे। सिमिलरली इस टाइप से कोई आपको एस्टर दे दे, ध्यान से देखो, इधर सिर्फ ET ग्रुप ही होना चाहिए, इथाइल ग्रुप, तभी शो कर पाएगा, क्योंकि फिर से एक हाइड्रोलिसिस होने के बाद इथाइल अल्कोहल में आ जाएंगे, राइट। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको OH और इसको H, तो इधर ET ही होना चाहिए तभी। अब उसके बाद जो भी कार्बन होंगे तो नहीं शो करेगा, इसलिए इधर ME था, इसलिए नहीं शो किया, ना तो एक कार्बन वाला शो करेगा, न ही तीन या तीन से ज़्यादा, सिर्फ दो कार्बन होंगे तो वो शो करेंगे, या फिर ऐसे वाले शो कर सकते हैं, एक तरफ R कोई भी ग्रुप लगाओ या H लगाओ, और दूसरी तरफ आपका CH3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल एक तरीके से बन जाएगा, और आपको मालूम है ये H OH में कन्वर्ट होकर के वाटर बाहर जाएंगे, तो फिर से ये प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे कंपाउंड शो कर सकते हैं। तो ओनली आपको ब्रेक करके देखना है कि फाइनली वो वहाँ तक आ रहा है कि नहीं, जो ट्रिक्स दे रखा हूँ। इस टाइप के भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसको H OH, तो ये CH3 हो गया, और ये H ऑक्सीडाइज होकर के OH में, तो ये PSCO CH3, तो वो वाले में आ जाएगा, तो ये शो करेंगे। सिमिलरली दो हैलोजन लगे हो तो ये दोनों हैलोजन OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वाटर बाहर जाएगा, तो ये CH3 सी डबल बॉन्ड हो और इधर एल्काइल ग्रुप है, तो ये शो करेंगे। तो ये पूरा आइडिया दिया है कि कौन शो करेगा और कौन नहीं शो करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज कि विच कैन शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो हमें एक एक को चेक करना है। तो ध्यान से देखो, ये वाला सी डबल बॉन्ड तो है लेकिन CH3 नहीं है, तो शो नहीं करेगा। ये वाले में ये 3° अल्कोहल हो गए, राइट, CH3 तो है इधर, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, मिथाइल है, तो ये भी शो नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये कॉर्नर वाले से सेकंड वाले पे OH है, यहाँ पे H है, तो राइट, तो ये शो कर जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, आपको बता रखा हूँ। डी वाले में अगेन ध्यान से देखो, इधर CH3 है, सेकेंड पे OH है और यहाँ पे H है, तो ये शो कर जाएंगे, राइट। या फिर इसी को ऐसे भी लिख के दे सकता है, तो ये वही बात है। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सी डबल बॉन्ड O है आपका, CH3 है, तो ये शो कर जाएंगे। यहाँ पे इधर CH3, सेकेंड वाले पे OH है और H है, तो ये शो कर जाएगा।
यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री है तो ये भी शो कर जाएंगे राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये वाला को ब्रेक करेंगे तो ये इथाइल अल्कोहल बन जाएगा तो ये भी शो कर जाएंगे राइट। यहाँ पे तो ये है ही तो ये शो कर जाएंगे। जस्ट आपको ये चेक करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो हेच तो है बट इधर ई टी है इधर भी ई टी है, एम ए किसी भी साइड नहीं है तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो सी एच थ्री सेकेंड पे ओ एच है और हेच है तो ये शो कर जाएंगे। यहाँ पे तो एम ई ग्रुप ही नहीं है तो ये शो नहीं करेंगे। यहाँ पे अगेन देखो एम ई ग्रुप है सेकेंड पे ओ एच है तो यहाँ पे भी हेच है तो ये शो कर जाएगा राइट। ये आपका सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री हो गया तो ये भी शो कर जाएंगे। इधर ये सी एच थ्री और सेकेंड कार्बन पे ओ एच है, यहाँ पे हेच है जो कि ओ एच में कन्वर्ट होकर के सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो दे सकता है तो इसलिए ये शो करेंगे। ईथर कभी भी आपका शो नहीं करता है बाय डिफ़ॉल्ट मान लेना आपको। यहाँ पे चूंकि ये जो ओ एच है वो कार्बन नंबर वन पे ही है, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है तो नहीं शो करेगा। अगेन ये थ्री डिग्री है तो नहीं शो करेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तीन तरीके से। आपको चार पाँच मॉलिक्यूल दे करके इंटीजर टाइप में पूछ सकता है या फिर इसका आईयूपीएसी नेम दे करके भी दे सकता है। पाँच छः आईयूपीएसी नेम दे दिए कौन कौन शो करेगा नहीं करेगा इंटीजर टाइप में, या फिर ऑप्शन बना करके विच कैन शो आईयूपीएसी नेम दे सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ध्यान से समझो, कंसेप्ट एक रहेंगे पूछने के तरीके डिफरेंट रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में इस टाइप से गिवन है तो बच्चे देख के समझ ही नहीं पाते। ध्यान से देखो यह हैलोजन है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और ये मिथाइल कीटोन है तो डेट मीन्स आपको ब्रोमो फॉर्म कराना है। तो आपको मालूम है कि आपको एक क्या बनाना पड़ेगा CHBr3 राइट। ये तीन हाइड्रोजन हटा करके तीन ब्रोमीन लगाना और ये बॉन्ड ब्रेक करके एक हेच देना और उधर क्या बनेगा तो चूंकि बेसिक मीडियम है तो C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे कैटायन कौन है के तो K प्लस रहेगा तो ये प्रोडक्ट हो जाएंगे AB। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है तो क्या लेना चाहिए तो ध्यान से देखो क्या क्या है। डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं किया है राइट और यहाँ पर का OH कैसे कन्वर्ट हुआ है C डबल बॉन्ड OH में, वो किस में आता है इसमें। इसका मतलब कि हमें आइडो फॉर्म रिएक्शन करानी पड़ेगी तो टॉलिंस रिएजेंट तो नहीं ले सकते, I2NOH यस यही हो जाएंगे। एल्कलाइन के मेनोफोर नहीं ले सकते क्योंकि डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट करेगा, डी तो हो नहीं सकता है। तो ये कैसे हुआ तो आपको मालूम ही है, ये कॉर्नर वाले कार्बन से सेकेंड पे OH है तो इसका H OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे C डबल बॉन्ड हो CH3 में और ये फिर वैसा ही हो गया तो ये आपको मिल जाएगा। और दूसरा क्या मिलता है CHI3 जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया है तो इस टाइप से भी दे सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में समझ में नहीं आता कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर फोर में इस टाइप से आईयूपीएसी नेम दे करके विच विल नॉट गिव येल्लो प्रिसिपिटेट तो यू नो CHI3 का येल्लो प्रिसिपिटेट होता है, कौन नहीं देगा डैट मीन्स कौन आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। तो आपको ध्यान से देखो इथाइल मिथाइल कीटोन, कीटोन बोले तो सी डबल बॉन्ड हो एक तरफ एम ई एक तरफ ई टी तो ये आ गया तो ये तो शो करेगा तो ये नहीं हो सकता। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, प्रोपाइल मतलब तीन कार्बन आपको लेना है और आइसो मतलब कि इसी कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए इसलिए इसको आपको ओएच करना पड़ेगा 1 2 3 देखो तीन कार्बन है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया क्योंकि इधर CH3 है, बाय द वे दोनों तरफ CH3 है तो ये भी शो करेंगे तो ये नहीं हो सकता। 3-methyl-2-butene तो सेकंड कार्बन पे ब्यूटेन होना चाहिए 1 2 इधर 3 और इधर ये 4 और 3 पे 1 2 3 या इधर से करोगे तो यहाँ पे मिथाइल तो 3-methyl-2-butene तो ये हैं तो ये भी शो करेंगे। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल तो यहाँ पे ब्यूटाइल है मतलब चार कार्बन होने चाहिए राइट तो ये हो गए चार कार्बन सेकंड कार्बन पे CH3 आइसो ब्यूटाइल हो गया और अल्कोहल तो यहाँ पे OH तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे नहीं शो कर पाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे CH3 है राइट और वैसे भी ये 1 डिग्री है सेकेंड होना चाहिए तो ऑप्शन डी हो जाएंगे आपका यहाँ पे कि विच विल नॉट गिव येल्लो प्रिसिपिटेट तो आवर ऑप्शन विल बी डी। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। बेटा इस पे बेस्ट क्वेश्चन एक ना एक रहते ही हैं और बहुत इजी है, ये कैसे करना है पूरा डिटेल आइडिया दे दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। थैंक यू।